प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक आगरा रोड बाईपास स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पार्टी के प्रमुख महासचिव अखिलेश यादव ने बताया कि आज हमारे कार्यालय पर पहली बैठक थी, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आने वाले समय में हमारी पार्टी किस तरह की रणनीति के साथ काम करेगी, इस पर विचार किया गया। पूछे जाने पर पार्टी को जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि जो भी अपेक्षित कार्यकर्ता थे अन्य पार्टियों में, जिन्हें कोई तरजीह नहीं दी गई, वे सभी शिवपाल सिंह यादव के साथ आने वाले समय में लखनऊ में होने वाली महारैली में लोगों को दिख जाएगा कि जनता किसके साथ है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बोट सिंह के साथ कई पदाधिकारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किस तरह की जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह की क्या किस बात को लेकर मीटिंग हुई और क्या मीटिंग में तय किया गया? हमारी मीटिंग में प्रगतिशील पार्टी समाजवादी पार्टी की जो रूपरेखा है वो बताया गया हमारे पदाधिकारियों को। जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी और कार्यकर्ता बहुत भयंकर जुड़ रहा है। मैनपुर में तो बहुत उछाल आ रहा है, हर आदमी जुड़ना चाह रहा है और बहुत सैलाब ज़्यादा चल रहा है समाजवादी पार्टी का। माननीय शिवपाल जी के साथ बहुत बड़ा सैलाब है, तो हम लोगों ने ये जिला की आज मीटिंग करी है। हर 10 तारीख को मीटिंग हमारी फिक्स हुई है जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा, जो हाईकमान से आदेश मिलता है हम लोग उसी के द्वारा काम करते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी का मैनपुरी गढ़ माना जाता है, उसी में से कट के आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग बनी है जी, तो किस तरह आपको कार्यकर्ता हुआ और लोगों का संगठन बनाने में जो बल मिल रहा है, किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं? मैं चीज़ ये जोड़ा जो मैन कायदे में तो बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल लोग थे मेहनत करते जो धरातल पे उनको नहीं पूछते थे। जो समाजवादी पार्टी में जो लोग पहले मेहनत करते थे वो आसपास घूमते लोग वही पदाधिकारी हुआ करते थे। अब जो जुड़ रहा है जमीन का आदमी जुड़ रहा है, गरीब जुड़ रहा है, किसान जुड़ रहा है। कई ऐसा सभी समाजवादी पार्टी जो आदमी कार्यकर्ता मेहनती था उसको पूछा नहीं गया पार्टी में, वो बेचारा गांव में रहा है। नेता गए उन्हें पूरा होल्ड कर लिया कि हमारा क्षेत्र है हम वोट दिलवा लेंगे, लेकिन उनकी कभी वैल्यू नहीं रही।